हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव सीमास लाइफ। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जिसे बना लेते हैं झटपट, और फिर चाहे किड्स के टिफ़िन में दें आप या हस्बैंड के टिफ़िन में दें, लंच बॉक्स लंच में ऐसे ही खाना हो या लंच बॉक्स में पैक करना हो तो आ जाइए। फिर फटाफट से आप सोयाबीन बड़ी को कर लीजिए बॉयल नमक के पानी में, फिर पानी निकाल के उसका, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें डालिए आधा कप दही, थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा चाट मसाला जिसे आप मुझे देख रहे हैं, और थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा डालिएगा इसलिए कि हमने जब बॉईल की थी तब भी इसमें नमक ऐड किया था, तो नमक डालते हुए थोड़ी सावधानी रखनी है आपको इस रेसिपी में, क्योंकि इस टाइम भी नमक डाला है, बॉईल करते हुए भी नमक डाला है, और बनाते हुए भी ग्रेवी में थोड़ा नमक हो ही जाएगा। तो नमक के लिए थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। अब देखिए, मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने जो है इसमें तंदूरी मसाला डाला है, और थोड़ा गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से कोट हो जाए सब में। हाथों से करना ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पून से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए अपने हाथों को पहले से अच्छे से हैंड वॉश कर लें, पूरी तरह से सुखा लें, और फिर जो है आप इसमें अपने हाथ यूज़ करें, नहीं तो आप ग्लव्स पहन लें, थोड़ा हाइजीनिक रहता है। बस अब हम इसको रख देंगे ढक कर कम से कम आधे घंटे के लिए, ठीक है। अब कर लेते हैं हम थोड़ी सी दूसरी तैयारी। देखिए, तेल गरम कर लिया मैंने कढ़ाई में, ये प्रोसेस में 15 मिनट बाद कर रही हूँ, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं मेरे को उसे मैरिनेट करने हुए किए हुए। अब देखिए, मैरिनेट करने के बाद आपको लग रहा है कि जब आप दबाएंगे तो हर पीस में जो है इसके मसाले फ्लेवरिंग सब अच्छे से हो चुकी है, तो बस इसमें अब हमें ज़्यादा सीजनिंग नहीं करनी है। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है, क्योंकि हमें वैसे मिर्च की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस बस रेड कलर आ जाए इसीलिए केवल कश्मीरी मिर्च डाली है। और थोड़ा अगर आप अपनी पसंद के कुछ टेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बस मैरिनेट की हुई बड़ियों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ, और जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हम ये टिफ़िन रेसिपी बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ग्रेवी वाली चीज़ टिफ़िन में ले जाना, तो हम इसको ड्राई सब्जी बनाएंगे इसलिए हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, इतना कि वो 2 से 3 मिनट हम जब इसको पकाएंगे, देखो ढक के मैंने 2 से 3 मिनट पका ली है, और वो जो पानी था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, और उसी पानी के साथ जो इसके मसाले वगैरह थे, जो भी फ्लेवरिंग हमने की थी, वो सब ऐड हो गई है। और देखिए, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार है। थैंक यू।